दाले है हजरत मोहम्मद मुस्तफा मुज्तबा सल्लल्लाहु तो अलैहि वसल्लम की जात मुबारक परोड़ों दुरूद और सलाम आंखों और सुनते कानों को मेरा शाम का सलाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तो व बरकातहू तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे अल्लाह ताला की रहमत गोसिया अली एजुकेशनल एकेडमी की भरपूर कोशिशों और आप सबके तावन से आज हम दरूद शरीफ की फजीलत जैसे इंतहाई अहम मौजू पर वेबिनार मुनद करने के काबिल हुए हैं मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें सच और हक कहने सुनने और इस पर अमल करने की तोफ़ीकत आफरमा आमीन या रबुल इसके साथ ही हम आज के इस बरकत और अहम मौजू की तरफ बढ़ते हैं जिसका है दरुद शरीफ की फजीलत सूरत आयत नंबर फिफ्टी सिक्स में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं नबी बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं या आमानु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा ऐ ईमान वालो तुम भी इन पर दरूद भेजते रहा करो और खूब सलाम भेजा करो आज के हमारे इस वेबिनार की मेहमान ने खसूस मोहतरमा तय कवल साहिबा हैं जिन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फैसलाबाद से एफ ए की डिग्री हासिल की है और जामिया रसूल से दो साल का दरासात दीनिया यानी आलमा का कोर्स किया है और एक वेल नॉन मेडिसिन कंपनी में एज अ ग्राफिक डिजाइनर खदम सर अंजाम दे रही है So now let's welcome am Tayyaba Kawal Saiba to come and join us and brightens our hearts minds and souls. Asalamu alaikum. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. wa nusalli ala rasulihil kareem. अम्मा बात फौजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौजी ساميات बयान करने से पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए आपका आना और इस एकेडमी की इस काविश को अपनी पाक बारगाह इलाही में बड़ा चढ़ाकर कबूल मंजूर फरमाए जै... ऐसे के हमारी होस्ट ने बयान किया है कि अल्लाह ताला सूरत एजाम में फरमाते हैं इन वल मलाइका तो हु अलन नबी या अय्युहल्लजीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा ऐ ईमान वालों बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं तुम भी खूब दुरूद और सलाम पढ़ा करो मोजी सामियात अल्लाह ताला ने कहीं कुरान में तीस पारे है एक सौ चौदह सूटे हैं अल्लाह ताला ने कही नहीं फरमाया ईमान वालो मैं और मेरे फरिश्ते रोजा रखते हैं तुम भी रखो अल्लाह ताला ने कहीं नहीं फरमाया ईमान वालो मैं और मेरे फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो अल्लाह ताला ने कही नहीं फरमाया ईमान वालो मैं और मेरे फरिश्ते हज करते हैं तुम भी करो अल्लाह ताला ने कहीं नहीं फरमाया ए ईमान वालो मैं और मेरे फरिश्ते जक़ात देते हैं तुम भी अदा करो लेकिन जहाँ बात हमारे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद की मोहब्बत की बात आई तो अल्लाह ताला ने कुरान में सूरत फरमा दी और उसमें एक आयत उतार दी जिसमें अल्लाह ताला ने कहा ईमान वालो बेशक मैं और मेरे फरिश्ते मेरे प्यारे हबीब पर दरुद भेजते हैं तुम भी पढ़ा करोजी सामियात अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा क्योंकि उनको नबी करीम वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी अल्लाह ताला जानते थे बहुत सारे लोग नहीं पढ़ेंगे लेकिन अल्लाह ताला को अपने बंदों से ये काम लेना था और फरिश्तों के साथ उनको फ़ज़ीलियत देनी थी तो अल्लाह ताला ने कुरान में ये आयत नाजिल कर दी कि ईमान वालों मैं और मेरे फरिश्ते मेरे हबीब पर दरुद पढ़ते हैं तुम भी पढ़ा करो लेकिन हम ऐसे अपने कामों में मसरूफ हुए हैं कि हमें इतनी फुर्सत नहीं वो नबी जो हमारे लिए गारों में रोते रहे हम उनके लिए कुछ पल निकाल के उन पर दरुदो करीम पढ़ ले सामियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब तर वो इंसान होगा मुझ पर ज्यादा हक वो रखता होगा जो मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता होगा सुबह अल्लाह क्या बात कह दी नबी करीम ने क्या आप अब भी अब भी हम दरुद शरीफ ना पढ़े तो फिर क्या हम पे दो आग वाजिब नहीं है साम्याद, एक जगह हज़रत अली हरवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान असल में बखील और कंजूस है जो मेरा नाम तो सुने लेकिन मेरे नाम सुनने के बाद मुझ पर दरुद सलाम ना भेजे मोजि सामियात फिर इसी तरह नबी करीम सल्लम ने रवाय फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि क्यामत के रोज में तुम लोगों की शफात करूं तो मुझ पर करोड़ों करोड़ों दरूद भेजा करो मोजी सामियात हजरत अबू हरेरा रज़तलाना रवायत करते हैं कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फरमाया ए अल्लाह के नबी मेरी दुआएं कबूल नहीं होती मुझे फरमाए मैं ऐसा कौन सा अमल करूँ जिससे मेरी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम अपनी दुआओं की कबूलियत चाहते हो अगर तुम अपनी दुआओं की कबूलियत चाहते हो तो मुझ पर दरुद पड़ा करो दुआ के अवल आखिर मुझ पर दरूद भेजा करो तो अल्लाह के जो सहाबा थे उन्होंने पूछा ए नबी मैं दुआ में कितना हिसाब पे दरद पढूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे जितना हो सके उतना मुझ पे दरूद पढ़ा करो उन्होंने कहा क्या मैं एक चौथाई आप पे दरूद पढूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह बेहतर है लेकिन अगर तुम इससे भी ज्यादा पढ़ो वो तुम्हारे लिए बेहतरीन है तो अल्लाह अल्ला के अल्लाह के नबी से फिर साहबा कराम ने पूछा अल्लाह के नबी क्या मैं आप पर दो चौथाई दरुद शरीफ पढ़ा करूं दुआ के हिस्से में तो अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं ये तुम्हारे लिए बेहतर है लेकिन अगर ज्यादा पढ़ो तो वो तुम्हारे लिए बेहतरीन है अल्लाह के सहाबा फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं या रबुल ए अल्लाह के बंद प्यारे हबीब क्या मैं आप पे तीन चौथाई दुआ का हिस्सा दरुशरी पढ़ा करूं तो क्या मेरी दुआ कबूल होगी अल्लाह ताला के नबी फिर फरमाते हैं ए अल्लाह के बंदे अगर तू ये पढ़े तो तेरे लिए बेहतर है लेकिन अगर तुम इससे ज्यादा पढ़ो तो वो तुम्हारे लिए बेहतरीन है फिर अल्लाह के सहाबा दुआ कर अल्लाह के सहाबा सल्लम से कहते हैं नबी, अल्लाह के कराम नबी सल्लम से कहते हैं ऐ मेरे प्यारे नबी मैं पूरी दुआ का हिस्सा आप पर दरुदो सलाम भेज दूंगा तो अल्लाह ताला के नबी कहते हैं कि उस दरुद के सद के तुम्हारी सारी दुआएं कबूल की जाएंगी मोजी मेरा अक्सर मकसद ये आपको बताना है कि अल्लाह दारूद पाक एक ऐसी दुआ है एक ऐसी इबादत है जो हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमें वो नहीं पता कि हमारी कबूल हुई कि नहीं हम रोजा रखते हैं लेकिन उसका हमें ये मालूम नहीं वो कबूल हुई कि नहीं हम हज करने जाते हैं करोड़ों पैसे लगा कर जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो हमारी कबूल होनी है कि नहीं हम जुकात देते हैं लेकिन हम दिल में हसद और बुगज भी रखते हैं और हमें ये नहीं पता कि वो हमारी कबूल होनी है कि नहीं लेकिन दुरूद पाक अल्लाह ताला ने एक ऐसी इबादत बना दी एक ऐसा कलाम बना दिया जिसको हम पढ़ते तो बाद में है लेकिन उसकी कबूलियत उसकी फजीलियत का असर पहले ही हम पे होना शुरू हो जाता है मेरे प्यारो अजीजों मैं यही कहना चाहूंगी कि आपसे जितना हो सके जितना हो सके दूसरी पढ़ा करें ताकि आपकी हर मुश्किल दूर हो जाए मेरे एक टीचर हैं वो बताते थे कि उनको उन्होंने MSC, की हुई थी वो बताते थे कि उन्हें जो कुछ भी मिला है दुरू की फजीलियत से मिला है एक जगह उमर बिन खताब फरमायत करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया जो शख्स दुआ में दरू शरीफ नहीं पढ़ता जो शख्स दुआ में दरू शरीफ नहीं पढ़ता उसकी दुआ आसमान और जमीन के दरमियान में ही रह जाती है जब तक के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़ दे मोजी सामियात अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं ऐ ईमान वालों मैं और मेरे फरिश्ते नबी पर दरूद पढ़ते हैं तुम भी पढ़ा करो क्यों क्योंकि अल्लाह ताला ने अशरफ मखलूकात बनाया है इंसान को फजीलत दी है फरिश्तों पर अभी के फरिश्ते कोई गुनाह नहीं करते अल्लाह ताला को किसी के जिक्र की हमारी जरूरत नहीं लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को ये हुक्म इसलिए दिया इसलिए ये आयत नाजिल की ताकि वो देख सके कौन उससे मोहब्बत करता है और कौन उसके हुक्म की पैरवी करता है या कौन उससे इनकार करता है मेरी प्यारियों मेरे प्यारो अल्लाह ताला फरमाते हैं ई ईमान वालों मैंने तुम्हें फरिश्तों पर फजीलियत दी मैंने तुम्हें फरिश्तों पे इसलिए फजीलत दी ताकि मैं देख सकूं कि मेरी महबूब की मोहब्बत और मेरी अतात कौन करता है एक जगह नबी करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बंदा मेरे नबी का जिक्र जमीन पर बैठ के करता है मैं उससे आला मखलूक में उसका बैठ के जिक्र करता हूँ यानी फरिश्तों में और दुरूद शरीफ की इतनी फजीलियत है कि नबी करीम फरमाते हैं जो इंसान एक दफा जमीन पर बैठ सचे दिल से दरूशरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके दस दराजात बुलंद कर देता है दस नेकियां लिख देता है और उसके दस गुना मिटा देता है क्या अभी भी हम अपने इतनी मसरूफियात की जिंदगी में उस नबी के लिए जो इतना टाइम नहीं निकाल सकते कि हम उन पर पढ़ जो हमारे लिए घरों में रोते रहे जब नबी सल्लम का का विशाल वक्त आया तो नबी सल्लम के पास हजरत जिब्राई स्ल्लाम को भेजा गया तो नबी करीम रोना शुरू हो गए और अल्लाह तजरत जिब्राई सलाम को कहा कि जाओ पहले मेरे रब से पूछ के आओ को वे मेरी उम्मत को तनहा तो नहीं छोड़ेंगे तो जब हजरत जब्रालाम नबी करीम सल का पैगाम लेकर अरश पे गए तो उन्होंने अर्ज किया कि या रबुल आप आपके प्यारे महबूब पूछते हैं मेरे रब से पूछ किया, क्या मेरे महबूब क्या मेरी उम्मत को मेरे जाने के बाद तनहा तो नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जाओ जिब्राइल मेरे नबी को तसल्ली दो कि उसका रब फरमाता है कि वो तुम्हारी उम्मत को कभी भी रसुआ नहीं करेगा और कभी भी तुम्हारे जाने के बाद अकेला नहीं छोड़ेगा क्या हम आज भी अभी भी अपनी مصروفियत अपने कामों को एक साइड पर रख कर उनकी जात पर दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते क्या हमारे काम इतने जरूरी हैं कि हम उस नबी को भूल गए हैं जो गारों में रोते रहे जो हमारे लिए सजदों में रोते रहे जो रात रात उठकर हमारे लिए दुआ करते थे ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे ऐ रब मेरी उम्मत को तन्हा ना छोड़ना जब उनका विसाल का वक्त आया तब भी वो जिब्राहम के सामने जारो खतार रोते रहे कि ए रबुल आलमीन मेरी उम्मत को तनहा ना छोड़ना उन्होंने जिब्राहम को अल्लाह ताला के पास भेज दिया कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को तनहा ना छोड़ना आज वो उम्मत का हाल देखें कि इतना उनके पास वक्त नहीं कि जिसने जिसके वसीले से ये जहां बने दो जहां बने उस पे दरूद भेजे अफसोसनाक ये वाक्य है कि हमारे पास हमारे पास उस इंसान के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ हमारे पंजाबियों के आम रवायत है कि हमने किसी के हाथ जाना है तो खाली हाथ नहीं जाते कि लोग हमें क्या बातें करेंगे कि कैसा ना समझ है अनपढ़ है पढ़ा लिखा है इसको अकल नहीं है कि किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते आम रवायत है हमारे कि हम किसी के घर जाना हो ना तो पहले ही हमारे माइंड में सेटअप बना होता है हमारा कि हमने किसी के घर जाना है तो हम जाएंगे तो वो कहेंगे यार देखो कैसा है अनपढ़ बंदा है जाहिल है इसको समझ नहीं आती आया है और खाली हाथ आ गया बंदा कोई चीज ही ले आता है कोई भरम होता है हमारे माइंड में फौरन बात आती है तो सोचें जब रोजे महशर अल्लाह ताला हमें पेश किया जाएगा अल्लाह ताला के सामने नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां होंगे हमें कभी याद नहीं किया होगा अगर हमें उनकी शफात न मिली हमारे इमान नामा जुम्मे के जुम्मे के सामने पेश किया जाता है सोचे अगर हमारे इमान नामा में उनके दरूदा सलाम न भेजा गया तो हमारा क्या हाल होगा क्यामत के दिन नबी करीम सल्लम ने फरमाया वो शख्स मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजेगा क्या तो आप, आप में, से कोई नहीं चाहेगा के नहीं आप में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारे नबी हमसे खुश हो जाएं जब हमार जुम्मे के दिन उनके पास हमारा दरूद ले जाया जाए तो वो प्यार से कहे उम्मती मैं तेरा जवाब देता हूँ मुझे तेरा दरूद मिल गया है जब रोजे मैशर हमें हमारा माल नामा खोला जाए तो हमारे नबी और हमारे अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो क्या किसी का दिल नहीं है मोजी सामिया जरा इस बात पे गौर करें कि अल्लाह ताला ने कहीं नहीं फरमाया कहीं भी नहीं फरमाया कि मेरे बंदे मैं हज करता हूँ मैं नमाज पढ़ता हूँ मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं मैं रोजा रखता हूँ मैं देता हूँ मेरे फरिश्ते देते हैं लेकिन जब उसके महबूब की बात आई तो उसने कुरान में आयत उतार दी कि ईमान वालों मैं और मेरे बहुत सारी कौमे गुजरी लेकिन अल्लाह ताला ने किसी को इतनी मोहब्बत से नहीं बुलाया बनी इसराइल को बुलाया तो ऐ बनी इसराइल काफरों को बुलाया तो ए काफिर काफिर और मुशरिकीन को बुलाया तो ए मुशरिकीन कह के बुलाया लेकिन जब बात आपकी और मेरी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत की बाई तो अल्लाह ताला ने कहा या अय्यु अल्लज़ीना ए ईमान वालो मैं और मेरे फरिश्ते मेरे हबीब पर दरूद पढ़ते हैं तुम भी पढ़ा करो देखे अल्लाह ताला ने क्या बात कही अपने साथ मुझे और मेरे फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं तुम भी पढ़ा करो कितनी फिकर की आ जाए दिया जाएगा और कभी रुसवा नहीं हुआ बहुत सारी हुआ। मंदिर बना दिया गया कईयों को कुछ सजा मिली कहीं कुछ सजा मिली लेकिन ये तक अल्लाह ताला ने जो अपने नबी से वादा किया था उसके माफ किया जा रहा है और ये अगर कोई कर्म है तो मेरे नबी की रहमत का कर्म है मोजी सामियात जरा इस बात को जहन में रखे आज जब आप बिस्तर पे लेटने जाए तो एक बात जहन में ले आइएगा क्या आज मैंने अपने नबी पर दरूद पढ़ा उस नबी पर जो हमारे लिए गो में रोता रहा क्या मैंने उन पर दरूदो सलाम भेजा क्या आज मैंने अपना इस दुनिया में आने का हक जिसमाम यकीन जाने एक साइड पर आप इस बात को रखें कि मैंने दरूद पढ़ा और दूसरी साइड पर कबर का मंजर ले और तीसरी साइड पर यह बात अपने जहन नशीन कर ले कि जिस दिन रोजे मैशर हम पेश किए जाएंगे हमारे नाम माल पेश किए जाएंगे हम अल्लाह के हजूर पेश होंगे। अगर उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज होंगे तो हमारी शफात कौन करेगा सिर्फ ये तीन चीजें आज जब आपने बिस्तर पे जाना है सिर्फ ये तीन चीजें आपने नोट करनी है यकीन जाने खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है दिलजारो खतर रोता है इस बात से कि ये उम्मत जिसके लिए नबी रोते रहे घरों में रोते रहे अपने बिस्तर पे लेट के रोते रहे बीमारी की हालत में रोते रहे अपने विशाल के वक्त अल्लाह से रोते रहे अरबुल मेरी उम्मत को तनहा ना छोड़ना वो उम्मत दुनिया में आके अपने आने का मकसद ही भूल चुकी है मोदी सामियात नबी करीम स्थियों 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 स्थियों। जुम्मे के मिंबर पर पहुंचने लगे तो जब वहां बैठने लगे मिंबर के पहले सीढ़ी पर पैर रखा, तो नबी करीम ने फरमाया आमीन तो साथ में सहाबा थे उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी आपने किस चीज पे आमीन कहा अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरे साथ जिब्राइल आए और वो मेरे साथ मुखातिब हुए और उन्होंने फरमाया बद नसीब है वो शख्स जो कदर की रात पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके तो मैंने आमीन कहा फिर उन्होंने कहा आपने फिर आमीन कहा तो वो किस लिए कहा अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने इसलिए कहा कि जिब्रा सलाम ने दूसरी बात में ये कहा कि जो वो बंदा वो बंदा जहन्नमी है जो आपका नाम सुने और आप पर सलाम ना भेजे तो मैंने आमीन कहा तो नब सहाबा ने सवाल किया कि नबी करीम आपने तीसरी दफा आमीन क्यों कहा तो नबी करीम स्युण स्युण ने फरमाया सहाबा मेरे पास जिब्राइल ने तीसरा दो सवाल ये रखा कि अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्राइल नबी करीम करीम्लम से कह दो बदनसीब है वो शख्स जो अपने वाले को पाए और उनकी खिदमत ना कर सके तो सोचे हमने क्या खोया और क्या पाया हम सब अपनी जिंदगी के आखिरी आखिरी तक पहुंचने वाले हैं कईयों की उम्र गुजर चुकी है और कईयों की अभी शुरू हो चुकी है अल्लाह ताला जाने अगला पल और अगला सांस भी आना है कि नहीं लेकिन हम किस गफलत में डूबे हैं ये सोचे असल मकसद मेरा ये था आपको बताने का कि नबी करीम वसल्लम अल्लाह ताला ने हमें अपने फरिश्तों के साथ मुखातिब किया इतनी मोहब्बत से अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं मेरे ईमान वाले बंदो मैं और मेरे फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं तुम भी पढ़ा करो क्या ये एक कम बात है मैं कहती हूँ अगर इस बात की तफसीर में चला जाए इंसान तो इतना रक्ष खुद पर करे कि अल्लाह तुमने हमें उम्मत मोहम्मदिया में से पैदा किया है और ये आयत हमारे लिए नाजल की गई है अगर इंसान इस सोच में पड़ जाए तो सारी जिंदगी शुक्र के लिए कम है आपसे जितना हो सके दरू शरीफ पढ़ा करें जितना हो सके सलाम पढ़ा करें जितना हो सके अल्लाह और उसके नबी का जिक्र किया करें अगर आपके पास काम काम कर रहे हैं कोई मसरूफियत है आप नहीं पढ़ सकते जरूरी नहीं है इसके लिए वजू करने की जरूरत नहीं है इसके लिए दिल का पाक होना दिल की नीयत होना दिल का इरादा होना अल्लाह ताला से मोहब्बत होने का सबूत ये ये सबसे बड़ी बात है आप का दिल नहीं ना लगता आप एक दो दफा काम करते करते साथ-साथ पढ़ते जाएं आपका काम भी होगा अच्छा होगा आसानियां होगी आप खुद देखेंगे अल्लाह ताला आपको इस दुरूश शरीफ से कितनी आसानियां कितनी मंजिलें कितना आला मकाम अता फरमाएगा आपसे नहीं पढ़ा जाता मैं नहीं कहती आप सारा दिन दुरूश शरीफ पढ़ते रहें अपने सारे काम छोड़ दें नहीं आप अपने काम करें साथ में अल्लाह और उसके नबी का जिक्र भी करें अल्लाह ताला जानते थे कि ने नहीं पढ़ना इसीलिए तो उन्होंने नमाज में डाल दिया अल्लाह जानते थे कि उसके नबी का नाम कईयों ने बहुत सारे लोग थे जो पहले भी नबी करीम अलैहि वसल्लम से हसद करते थे और बहुत सारे लोग आज भी हैं इस दुनिया में जो नबी करीम वसल्लम से हसद करते हैं तो अल्लाह ताला ने नमाज में ये डाल दिया ताके जो बंदा दरुज शरीफ नहीं पढ़ेगा जो बंदा मेरे नबी से हसद करेगा उसकी नमाज ही कबूल नहीं होगी मौलाना रूमी कहते हैं कि जिस शख्स ने जिंदगी में सरकार दो आलम से इश्क नहीं किया जिस शख्स ने जिंदगी में सरकार दो आलम से इश्क नहीं किया उस शख्स ने खुद को जिंदगी जिंदा ही जहन्नम में डाल दिया बहुत बड़ी बात कह गए हैं ये शेर में की तफसीर में भी जाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा हजरत अबू बकर कहते हैं नबी करीम पर दुरूद पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे पानी आग को बजा देती है और हजूर करीम वसल्लम पर दरूद भेजना अल्लाह ताला की रजा में इस तरह है जैसे गुलाम को आजाद कर देना है और रसूल करीम सल्लम से, से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में इस तरह है जिस तरह तलवार चलाना या जाने लुटाना इससे भी कहीं दर्जे बेहतर है मोजी सामियात आप अपने रोजमर्रा जिंदगी के कामों को नहीं छोड़े आप उनको भी करें लेकिन उनके साथ साथ उनके साथ साथ अपनी जिंदगी में सोचे कि हमने अपने दीन को अपने नबी सल्लम के हुक्म को सुन्नतों को उन पर दरूद भेजने को अल्लाह को याद करने को कहा छोड़ दिया है आप मैं कहती हूँ हर वाले हर बच्चा हर औरत हर बेटी हर बहन हर भाई हर बेटा परेशान है आज हर परेशानी की वजह पता है क्यों क्योंकि जो पहली माए होती थी ना वो जब अपने बच्चों को खाना देती थी या उनके लिए खाना बनाती थी तो वो तला का जिक्र करती थी और उनमें से अल्लाह उनको जब उलादे देता था ना तो वो ओलिया बन गए उनको भी गौस पाक जैसी दाता हजवेरी जैसी ऐसी उलादे मिलती थी अब माओ ने वो तवज्जा भी छोड़ दी है मेरी आप सबसे इल्तजा है आप काम करें घर के सारे काम करें अपने ऑफिस के काम करने हैं रोजमर्रा जिंदगी के काम करने हैं करें कोई नहीं आपको मना कर रहा लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला से भी अपना रिश्ता बना ले और रिश्ता भी ऐसा जैसा एक बच्चे का अपनी माँ से रिश्ता होता है अल्लाह ताला से दुआएं मांगे रो रो के अगर आपका दिल नहीं लगता अल्लाह ताला से रो रो कर केहे या रब्बुल आलमीन इस दिल को अपने साथ मुंसलिक कर ले इसे वो मोहब्बत अता फरमा कि ये तेरे नाम के बगैर ना जी सके ना मर सके आप लोग कोशिश करें मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ हम सब के लिए अल्लाह ताला हमें जो मैंने बोला जो कहा उस पर अमल करने की तोफीक अता फरमाए हमारा आना जाना यहाँ और एकेडमी का इतना बड़ी काविश जो हकी है उसको अपने पाक इलाही में बड़ा चढ़ा कर कबूला मंजूर फरमाए इसका अजर मैम सर सराम और बाकी भी जो इनकी टीम है उन सबको अता फरमाए मुझे बहुत 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 फखर महसूस होता है कि मैं इस एकेडमी का एक हिस्सा हूँ और यकीन जाने अल्लाह ताला ने मैम गोसिया और सर सराम को अपने दीन के लिए चुना और इन्होंने ये आगे ये काविश फैलाई ये बहुत बड़ा काम है हम सभी ये काम कर सकते हैं लेकिन ये अता अल्लाह ताला किसी किसी को देता है जो इनको दी गई है अल्लाह ताला इनको देखकर और बहुत सारे लोगों को दीन पर लगाए आमीन मैं यही दुआ करूंगी अब नबी करीम सल्लम की शान में कुछ अशेर मैंने याद किए थे नाथ के जो दरू शरीफ के साथ ही हैं तो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी तू सहारा बे कसों का बे बसों का हर तरफ है फैज़ तेरा हर तरफ तेरी अता है जहां आशिक खुदा का तेरा आशिक खुद खुदा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदि व आलिही व आितरातही बियदा दी कुल्ली मालूमिल्ला का अस्तगफिरुल्लाह Allah zila ilaha illa hu wa lihayyul kayu wa ilayhi Ya hayyu ya kayum Rahmatan lil alami Tera lakab hai marhaba Rahmatan lil alami लकब है मरहबा सारी दुनिया से जुदा तेरा नसब है

milla ka astaghfirullah allahi ila ilaha illahu huwa al wa ilehi ya hayyu ya qayyum aaj zikr mustafa hai muskurat कर मुस्तफा है मुस्कुराती है हवा नूर है चारो तरफ और गुनगुनाती है हवा झूम कर तैय अब जन्नत को जाती है हवा अल्लाहुम्मा सयदीना मुहम्मद आलेही वायत ही बिय दादी कुल्ली मालूमिल्ला का आस्तिर अल्लाह जीला इलाहा इलाहूअले हुआ तू बुले ही या है या कायू तू मुजम्मिल तो मुदस्तिर बाय से दारेन तू तू मुजम्मिल तो मुदस्तिर बाय से दारेन तू शाफिया महशर जमाने भर

दुआ भी मैंने मंगवानी है या आपने कोई किया है किसी को कहा हुआ है हेलो मैम सर स्लानी दुआ मांगू, जी, जी, मांगू? दुआ मैं खुद ही करूं जी जी कर ले أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन रोबना आती ना फिर दुनिया हसन तुम फिला हसन तुम वाकनार आमीन वाकिन आजा बल वाकिन अजाबल हशी वाकिन अजाबल मिजान आमीन याहियु या कयूम बिरहमती गस्तगीसु याहियु या कयूम बिरहमती गस्तगीसु याहियु या कयूम बिरहमती गस्तगीसु अल्लाह हु अल्लाह हु रब्बिल औशरी को भी कशैन अल्लाह हु अल्लाह हु रब्बिल औशरी को भी कशैन अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लामार्बैन जगीरा रोबी जाली मुकी मलाती रब रबिली रब वा वाली वाली दया वाली हिसाब

या अल्लाह या मेरे से पढ़ने में बोलने में अल्लाह बताने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी रहमत के सद के माफ़ फरमाना नाम अल्लाह तेरी पाक बारगाह इलाही में मोहब्बत धतन पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा या तेरे बात तेरे प्यारे नबी हजरत अलैहि वसल्लम की पाक इलाही में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा अल्लाह साहब कराम अम्बिया कराम ओलिया कराम तब तबीन शोदा कर बला बहत्तर तन मेरे बाप आदम से लेके मेरे हाथ उठाने का तक तमाम मोमिन मोमिनात को साले सवाब पेश करती हूँ कबूल मंजूर फरमा अमीन या रबुल आलमीन जितने मेंबर इस जूम मीटिंग में हैं अल्लाह इस बयान में शामिल है अल्लाह तमाम को आना जाना अपनी पाक में कबूल फरमा ला हेड हमारी में गोसिया और सर अस्लान और उनकी फैमिली के लिए दुआ करती हूँ अल्लाह उनकी ये काविश उनका ये काम अपनी पाक इलाही में कबूल मंजूर फरमा अल्लाह खालसन खालसन व तेरी रजा के लिए ये अमल करते हैं ये काम करते हैं अल्लाह उनको बढ़ा चढ़ा के अपनी पाक बारह में कबूल मंजूर फरमा या अल्लाह तमाम मोमिन मोमिनात की मुश्किल हल कर दे अल्लाह जितने लोग इस महफिल में है अल्लाह तमाम की मुश्किलें आसान फरमा अल्लाह तमाम की दवाओं को कबूल मंजूर फरमा अल्लाह हमारे उस्ताद को और हमें हमारे उस के लिए सद का इजारिया बना या आलमीन तमाम बच्चे बच्चियों को दीन के दीन की तालीम से जोड़ दे अल्लाह तमाम बच्चे बच्चियों को दीन से कर दे या अल्लाह तमाम को ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जिससे तू राजी हो जाए अल्लाह ऐसे कुरान पाक की तलावत करने नसीब फरमा जैसे तू राजी हो जाए आलमीन मेरे उत्ताजा मैम घोषण और इसके अलावा जितनी हमारी टीम है तमाम को नेक दिली से ये काम करना और इस पर अमल करने की तोफी फरमा अल्लाह ताला मैम के समेत सर के समेत हम तमाम को हमारे वालदेन के लिए सदका का इजारिया बना दे आमीन या अल्लाह या अल्लाह जो जो परेशान हाल है अल्लाह तमाम की परेशानियां दूर कर दे अल्लाह हमारे हाल पे हमारे मुल्क के हाल पे रहम फरमा या अल्लाह या एकेडमी को दिन चुगनी रात या ने इनकी तमाम काविशों को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल फरमा या अल्लाह इनको कभी भी कभी भी किसी मुश्किल में ना डालना या अल्लाह इनके लिए तमाम आसानियों के रास्ते पैदा कर दे अल्लाह तो रहमान है अल्लाह तो रहीम है अल्लाह तूने बड़ी उम्मतों को बख्शा है अल्लाह आज तेरी बंदी मुहमदिया बैठी है अल्लाह तेरे सामने हाथ फैलाए हुए अल्लाह तमाम दुआओं पे तू और तेरे फरिश्ते कुन कह दे या अल्लाह तमाम दुआओं को कबूल मंजूर फरमा या अल्लाह मैं फिर कहती हूँ ये इनकी अकेडमी वालों की इस काविश को अपने पाक बार इलाही में कबूल मंजूर फरमा अल्लाह इनको दिन चुगनी रात तरक्या फरमा سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्लाह एवरीवन थैंक यू अगर कोई चीज बुरी लगी हो या कोई बात तो मैं दिल से माजरत करती हूँ एंड थैंक यू मैम गोसिया सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दैट्स टू गुड बहुत ही कम वक्त में आपने दरिया को में बंद कर दिया अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है इस जाते बारी ताला ने हमें मिल कर बैठने और एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तु करने की अता तो फरमाई थैंक्स अलॉट मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए ये लम्हे निकाले इसके साथ ही आज की इस तकरीब का इख्तिताम करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमने जो कुछ सुना अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तोफ़ीकत अता फरमाए आमीन या आलमीन